गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत मस्त बहुत झक्कास चल रहा होगा आप लोगों का। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे सभी ऑब्जेक्टिव सेशन, सभी ऑब्जेक्टिव जो आप लोग का डिमांड था कि सर सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग को मिल जाता तो एक बार हम लोग को रिवाइज करने में बहुत बेहतर होता, तो इसलिए आज का क्लास आप लोगों का सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड कर दूंगा और एक बार सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम आप लोग का बहुत जल्दी है, बहुत नजदीक आ चुका है, बहुत लंबा टाइम नहीं बचा है, मात्र 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसलिए जमकर पढ़ाई करना है, हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करना है, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना। ये नहीं कि बस 3 दिन बचा है, मम्मी यहाँ पापा का हो गया, क्या करें हम लोग, ना है ये हाय हाय कर रहे कुछ काम नहीं चलेगा, बल्कि रिलैक्स होकर बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो मैं ज्यादा नहीं बहुत शॉर्ट में वीडियो सारा बना दूंगा ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आप लोग सारा टॉपिक रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते बिना देर किए। फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। देखिएगा भाई मेरे, इनके कवि का नाम आप लोगों को पता होगा, जॉन डोन। कवि का नाम बच्चों क्या है इसका? जॉन डोन इसके कवि का नाम है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो ये लिखा किसने है? ये लिखा है जॉन डोन ने। फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं जॉन डोन, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के कवि का नाम बच्चों क्या है? इसके कवि का नाम है जॉन डोन। लॉजिक पे आप याद कर सकते हो कि प्रिय प्यार मैं नहीं जाता, तो प्रिय प्यार मैंने जाता, प्रिय प्यार उन्होंने पूरा लाइन तो ये है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। पूरा लाइन क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, प्रिय प्यार मैं जाता हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे हो गया हूँ। तो प्रिय प्यार मैं जाता हूँ तो जोन ए दुन्नु से जॉन डोन, जॉन ए दुन्नु से क्या होता है जॉन डोन। जॉन डोन का जन्म हुआ था, जॉन डोन वाज बॉर्न इन 1572, 1572 में इनका जन्म होता है। जॉन डोन का जन्म बच्चों कब होता है? 1572 में इनका जन्म होता है। और ये बताते हैं कि मेन्स पावर इज वेरी वीक, वेरी फीवल, फीवल दे सकता है, वीक दे सकता है। तो फीवल का मतलब बच्चों क्या होता है? वीक। फीवल मतलब क्या होता है? वीक यानी कमजोर। तो मेन का जो पावर है बहुत ही कमजोर है, बहुत कमजोर है। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि देह कमजोर हो गया, मतलब कमजोर का मतलब ये है कि जब प्रॉब्लम्स आती है हम लोग के लाइफ में, बैड सिचुएशन आता है हम लोग के लाइफ में, तो हम लोग उस पल को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो फीवल का यहाँ सेंस ये है, ठीक है ना। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि मेन का पावर कमजोर हो गया साफ है और फीमेल का पावर पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ बताया गया कि जब मनुष्य का प्रॉब्लम में फंस जाता है, बैड सिचुएशन आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा होपलेस हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करे, बहुत सैड हो जाता है। द पोएट इन द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डैश फॉर हिज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड के लिए क्या है? अपने बिलव्ड के लिए बहुत ज्यादा सैड है, अपनी प्रेमिका के लिए सैड है, क्योंकि वो जर्मनी जा रहे थे, अपनी बिलव्ड को वहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सैड है। दोनों बिछड़ रहे हैं, तो बिछड़ते के टाइम में थोड़ी ना है कि भाई बहुत हैप्पी होंगे। जैसे देखते होंगे आप लोग की लड़की का जब विदाई होता है, जब बिछड़ रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन देखिएगा कि लड़की लोग माई के माए, तो उन्होंने माए गए बेटी के बेटी, तो ना तो वो बिछड़ते टाइम दोनों का होता है। वैसे रियल में पता नहीं कि लड़की लोग को पहले जाएगी बार बार। मेरे को एक बार इंसिडेंट याद है, गांव की बात है, कि एक बच्ची का विदाई हो रहा था, एक लड़की का विदाई हो रहा था, तो वो विदाई हो गया और उधर गाड़ी लगा हुआ है और गाड़ी तक और उतरे होते सब लोग नहीं पकड़ के ले जाते, गाड़ी तक ले गया, उसके बाद फिर भागते हुए आई, फिर लौटा गई माए गए माए ऐसा वाला, फिर उसको पहुंचाया धीरे धीरे करके, फिर दौड़ते हुए माए गए माए। मेरे को लास्ट का सीन याद है, मैं कभी भी हंसी आता है कि लास्ट के सीन में क्या हुआ, 3-4 लोग क्या बहुत देर, आधा घंटा ही चला लास्ट में, सब हाथ पकड़ के गाड़ी तक पहुँचाया, फिर लोग बहुत थे, अब खतरनाक सीन था। देखिएगा भाई मेरे, तो किसके लिए अपने ये अपने बिलव्ड के लिए क्या है वो? तो सैड फॉर इज बिलव्ड, अपने बिलव्ड के लिए सैड है, अपने बिलव्ड के लिए क्या है? सैड है। द पोएट जॉन डोन इज बेटर देन, तो कवि अपना कंपैरिजन करते हैं, कवि अपना तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि वो किससे बेहतर है, वो सूर्य से बेहतर है। वो बोलते हैं कि मैं सूर्य से भी जल्दी वापस आऊंगा, आई विल कम बैक सूनर देन सन, बोलते हैं आई विल कम बैक सूनर देन सन, मैं सूर्य से भी जल्दी वापस आऊंगा। आगे का है कि हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेटाफिजिकल कवि होते हैं जो लिरिकल और सैटिरिकल वर्ड्स जो जानते हैं, तो ये पियोनियर ऑफ मेटाफिजिकल कहे जाते हैं, मेटाफिजिकल के पियोनियर मतलब राह दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं कौन? जॉन डोन। यानी मेटाफिजिकल पोएम और पूछेगा एग्जाम में कॉम्बिनेशन ऑफ सैटिरिकल एंड ये लिरिकल वर्ड्स, याद रखिएगा लिरिकल एंड सेट्रिकल वर्स इज नोन एज मेटाफिजिकल, लिरिक्स भी हो और व्यंग भी हो उसको मेटाफिजिकल पोएम कहा जाता है। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल कवि कहा गया है, जॉन डोन को कहा गया है, जॉन डोन को कहा गया है।
जॉन डोन इज गोइंग टू डैश लिविंग द वाइफ बिहाइंड, अपनी वाइफ को छोड़कर जॉन डोन कहाँ जा रहे हैं, अपनी वाइफ को छोड़कर जॉन डोन जर्मनी जा रहे हैं, जो मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे ना, अरिजीत सिंह का गाना बड़ा फेमस है। ये छोड़ के जा रहे हैं कहाँ पे, जर्मनी जा रहे हैं। डैश वॉन्ट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, मौत को खुशी से गले लगाना चाहता है कौन, जॉन डोन। उनको पता है, वो बोलते हैं कि मौत तो आना ही आना है और एक ना एक दिन मौत हम दोनों को अलग, भले हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक ना एक दिन मौत हमें अलग कर देगी, इसलिए मैं मरने से पहले जिंदगी का एंजॉय करना चाहता हूं, है ना। अगला है, जॉन डोन हैज सीन द सन सेटिंग दैट नाइट, पिछली रात यस्टरडे नाइट, या यस्टर नाइट बोले चाहे यस्टरडे नाइट बोले, पिछली रात को उन्होंने देखा था सूर्य को डूबते हुए। अगला, जॉन डोन फील्स दैट, जॉन डोन फील करते हैं डैश इज वेरी होपलेस, होपलेस कौन होता है भाई मेरे, होपलेस कौन होता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, जिंदगी से हार मान बैठता है, कौन ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य, तो यहाँ पे कहते मैन हिज बिलव्ड से दैट, बिलव्ड कहती है कि सी हैज अ ग्रेट लव, उसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम ना, तो ये इनका सनम का नाम क्या है, जॉन डोन है, इनका सनम का नाम क्या है, जॉन डोन, याद रखिएगा इनका बिलव्ड, इनका सनम, बिलव्ड मतलब सनम बोलो, बिलव्ड बोलो हिंदी वही होता है, इंग्लिश में बिलव्ड बोलते हैं, हिंदी में सनम बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, प्रेमिका बोलते हैं, तो उनकी बिलव्ड जो है वो उन्हें बहुत प्यार करती है, प्रिंसेस जॉन डोन से बहुत प्यार करती है। जॉन डोन थिंक्स दैट, जॉन डोन यहाँ के होगा, जॉन डोन थिंक्स दैट, जॉन डोन सोचते हैं कि डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है, मौत तो आना ही आना है, भले हम लोग काया तो दुनिया का एक करवा और करवा सच्चा है कि मौत है, कि हम लोग बहुत सारा चीज़ों को कलेक्शन करने में लगे हैं, ये करना है 150 मंजिल का बिल्डिंग से फलना चलना, लेकिन वो इंसान पाप करते वक्त ये भूल जाता है कि मौत तो निश्चित है, इसलिए बेहतर होना चाहिए कि लोगों के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए, कि जी के जाए तो कम से कम अंत समय में ये खुशी मिले कि किसी के लिए कुछ करके जा रहे हैं। जॉन डोन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज, जॉन डोन जा रहे हैं अपनी प्रियंका दूर, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, लिखा हुआ है कि उबे नहीं है, टायर्ड ऑफ में नोट भी लगा हुआ है, वो उबे नहीं है, टायर्ड ऑफ नहीं हुए, किससे, अपनी बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से, वो टायर्ड ऑफ नहीं हुए हैं, अपनी बिलव्ड से वो नहीं उबे हैं, अपनी बिलव्ड से टायर्ड ऑफ नहीं हुए हैं, उबे नहीं है। द पोइट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी, कवि का इरादा है एक बहुत ही लंबा यात्रा करना, किससे, किससे ज्यादा, सूर्य से भी लंबा यात्रा करना, वो अपना कंपैरिजन किससे करते हैं, सूर्य से, कि मैं सूर्य से भी ज्यादा लंबा यात्रा करूंगा, अपने आप को कंपेयर करते हैं कि इंटेंस टू गो लॉन्गर जर्नी देन द सन। चलिए फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, और कुछ चैप्टर के बारे में आप लोगों को थीम समझा देते हैं ताकि पूरा ध्यान रहेगा। ये चैप्टर जो है लिखा गया जॉन डोन के द्वारा, और जॉन डोन जिन्हें के मेटाफिजिकल कवि के नाम से जाना जाता है, ये 1572 में इनका लंदन में जन्म होता है और 1631 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एंजिलिकन चर्च, ये नाम याद रखिएगा, एंजिलिकन चर्च में ऑर्डिनेशन दिए थे और वो एक पुजारी पृष्ठ बन गए थे, एंजिलिकन चर्च में प्रीचर बन गए थे, प्रीचर हो चाहे पृष्ठ हो कोई भी दे सकता ना, प्रीचर या पृष्ठ बोले वही बात है, एंजिलिकन चर्च में ये पृष्ठ बन गए थे। कितना उम्र में, जब इनका उम्र था 42 साल था, 42 साल की उम्र में, इससे पहले ये कवि जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, ऑक्सफोर्ड में भी और कैम्ब्रिज में भी इन्होंने पढ़ाई किया था। इनका धर्म का नाम याद रखिएगा कैथोलिक धर्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका धर्म का नाम बच्चों क्या था, कैथोलिक धर्म था, इनका धर्म का नाम बच्चों क्या था, कैथोलिक धर्म। कैथोलिक धर्म का वहाँ पे इंग्लैंड में विरोध हो रहा था, कैथोलिक धर्म में पुजारी बनते हैं, पुजारी बनते हैं, लेकिन ये एक ट्रेडर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ट्रेडर्स फैमिली, ये भी याद रखिएगा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ट्रेडर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनकी वाइफ, ये जिससे लव करते थे उसका नाम था एनीमोर, लव करते थे उसका नाम क्या था, एनीमोर था। ये बड़े बहुत ही साहसी थे, बहुत बहुत हिम्मत वाले थे ना, अजय देवगन की तरह हिम्मत वाला सिंगम, तो हिम्मत वाले बहुत ज़्यादा थे, और इतना इनका हिम्मत को देखकर एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने इनको अपने अपना सेक्रेटरी बना लिया, और जब सेक्रेटरी बना लेता है कुछ समय के बाद अपने वही उसी में अब उन्हीं के भतीजी से इनको लव हो जाता है और ये शादी कर लेते हैं चुपके से, इसीलिए इनको जॉब से निकाल दिया जाता है और फाइनली इनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। पैसा इनके पास था नहीं, तो वहीं पर लंदन में समुद्र किनारे रहना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे सोचते हैं कि भाई क्या करें, तो वो लंदन में एमपी भी बनते हैं लंदन में जाके, और लेकिन वहाँ उस समय एमपी को कोई पैसा वैसा नहीं मिलता था, इसलिए सोचे और क्या किया जाए, पोइट्री भी शुरू करते हैं, वो बहुत सारा काम धीरे धीरे शुरू करते हैं ताकि उनको कुछ अर्निंग हो जाए और अपने फैमिली को वो पाल पोस सके, यानी आगे बढ़ा सके। बच्चे भी थे कि 10 से ज़्यादा ही बच्चे थे इनके, 12-13 के अप्रोक्स, पूरा मुझे रिमाइंड नहीं है, लेकिन 12-13 बच्चे इनके लगभग थे। और बाद में जब अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहे थे जर्मनी,
तो इसीलिए इन्होंने उस टाइम इन्होंने पोएम लिखा था कि प्रिय प्यार मैं तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे उबकर जा रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं समझना कि मुझे तुमसे बेहतर प्यार की तलाश है, यानी तुमसे मैं उब गया हूँ, तुम कोई बेहतर प्यार मुझे अच्छा प्यार चाहिए, बल्कि मुझे पता है कि मौत हमें जुदा कर देगी, इसलिए मरने से पहले जिंदगी का इंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा, क्योंकि सूर्य जो रात में डूबता है सुबह आ जाता है, बिना तो सूर्य के पास डिजायर है ना, सेंस है ना, सॉफ्टवेयर है, उसके बाद भी बड़ा जल्दी वो वापस आ जाता है रात भर में, तो मैं मुझे तुमसे मिलने का डिजायर भी है, सेंस भी है, और मेरा रास्ता भी छोटा है, तो डेफिनेटली मैं उससे जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसके बाद वो बोलते हुए कि मैन जो होता है, जब बिछड़ रहे थे दोनों कमजोर पड़ गए थे, तो बोलते हैं मैन इतना कमजोर होता है, मनुष्य इतना कमजोर होता है कि जब किस्मत खराब होता है, बैड सिचुएशन आता है, बुरा वक्त आता है, तो उस समय वो एंजॉय नहीं कर पाता, अपने आप को संभालता है। अपने प्रेमिका से वो बोलते हैं कि हम दोनों अलग हो रहे हैं, तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ होगा, तुम जितना भी रोगे कराओगे मुझे उतना तकलीफ होगा, ये मेरी जिंदगी ये बर्बाद कर देगा, अगर तुम रोगे तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रोना नहीं। वो रिक्वेस्ट करते हैं और अंत में बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ बुरा नहीं समझना, तुम मुझे गलत नहीं समझना, और जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, और एक ना एक दिन तुम्हारा डरते रहते हो अलग होने, एक दिन डर भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और अंत में वो बोलते भी हैं अपनी प्रेमिका को, इतना बात याद रखना कि जो एक दूसरे के लिए जीते हैं कभी जुदा नहीं होते हैं, और जिससे वो लव करते थे उसका नाम क्या था, एनीमोर था। तो उम्मीद है भाई मेरे ये चैप्टर आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, चैप्टर में क्या क्या सीन है, और आप लोग ये चैप्टर का सीन याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना भी घुमा के देगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर चलिए अगले वीडियो हम लोग इसका अगला चैप्टर की ओर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।